बहू, तुमने कपड़ा निकाल के बिस्तर पे क्यों रख दिया? माँ जी, पैकिंग कर रही थी। अच्छा, तुझे मायके जाना है? जी माँ जी। अच्छा चल ठीक है, पैकिंग कर ले, कुछ चाहिए रहेगा तो मुझे बता देना। हाँ माँ जी जरूर। ठीक है बहू, आप चल के मुझे छोड़ दो ना, वरना मेरी बस निकल जाएगी। दीक्षा, आप हर छुट्टी पे मायके जाती हो, क्यों ना इस बार हम मम्मी को मायके भेज दें? पर माँ जी ने ही मुझे कहा था कि इस छुट्टी में अपने मायके चली जाऊँ। वो कभी नहीं बोलेंगी, पर वो अपने मायके जाएंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ तुम सही कह रहे हो। अरे बहू, तू तो शाम को जाने वाली थी ना? हाँ माँ जी, पर ये बैग मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। मेरे लिए क्यों? जब भी छुट्टी पड़ती है तो आप मुझे मेरे मायके भेज देती हैं। इस छुट्टी आप अपने मायके जाएंगी। अरे बहू, पर तू जाएगी अपने मायके तो तुझे अच्छा लगेगा। माँ जी, हर बार सास ही बहू का ख्याल क्यों रखे, बहू को भी तो सास की ख्याल रखना चाहिए। अच्छा ठीक है बहू, तू कहती तो अब की मैं अपने मायके चली जाती हूँ। बहू। हाँ जी माँ जी। तू उठी नहीं अभी तक? माँ जी आज वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बहू, तू आराम कर। अंजू। हाँ माँ। तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो घर का सारा काम तू कर लेना। ठीक है माँ। दीदी। हाँ जी भाभी। आप पढ़ाई कर लीजिए, झाड़ू मैं लगा दूंगी। अरे भाभी आप आराम करिए, आपकी तबीयत खराब है ना, झाड़ू मैं लगा लूंगी। दीदी मैंने दवाई खा ली थी, अब मेरी तबीयत ठीक है, आप जाके पढ़ाई करो, सारा काम मैं कर लूंगी। ठीक है भाभी। बहू। हाँ जी माँ जी। बहू तू क्यों काम कर रही है, मैंने तो अंजू को बोला था ना काम करने के लिए, कहाँ है वो? माँ जी कल दीदी के एग्जाम है ना, तो मैंने उन्हें कहा कि आप जाके पढ़ाई कर लो, घर का सारा काम मैं कर लूँगी। बहू तू कितनी अच्छी है, भगवान करे तुम दोनों का प्यार ऐसा ही बना रहे। दीदी। हाँ जी भाभी। बाहर मेला लगा है, मेला देखने चले? माँ मुझे मेले में नहीं भेजती तो आपको कहाँ से भेज देगी, और अगर भेज दिया तो? जाओ आप भी पूछ कर देख लो। चलो देखते हैं। माँ जी। हाँ बहू। माँ जी बाहर मेला लगा है, मैं मेले में घूम आऊँ क्या? हाँ हाँ बहू, ये लो कुछ पैसे, बाहर से कुछ ले भी लेना। मम्मी। हाँ गुड़िया। मम्मी आपने तो कभी मुझे मेले में भेजा नहीं, और आप भाभी को भेज रहे हो, वो भी वैसे देकर। आप भूल रहे हो वो आपकी बहू है और मैं आपकी बेटी हूँ। गुड़िया जब तेरी भाभी सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर मुझे अपनी माँ मान सकती है, तो क्या मैं इसे अपनी बेटी नहीं मान सकती?